हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गोल। फ्रेंड्स, आज है 2 अप्रैल 2019 और हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, PSLV 45 से एक जो उपग्रह भेजा गया था जिसको एमीसेट नाम दिया गया था, ये कल भी था न्यूज़ में, ये जो एमीसेट उपग्रह है इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष का हीरो, अंतरिक्ष का जासूस, नाविक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसे जाना जाता है अंतरिक्ष का जासूस नाम से। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो एमीसैट उपग्रह है ये हमारा एक ट्रैकिंग उपग्रह है। हालांकि इसरो ने भी इसकी पूरी जानकारी पब्लिश नहीं की है क्योंकि ये एक सीक्रेट मैटर है। ये एमीसैट उपग्रह हमारे जो भी वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ से घुसपैठ ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ जैसे पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम अच्छी निगरानी कर सकेंगे और दुश्मन को अच्छे से हम ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसे हम जासूस भी बोलते हैं, अंतरिक्ष का जासूस। ये है अपना PSLV। देखिए, PSLV अपना एक रॉकेट है जो क्या करता है कि यहाँ से उपग्रहों को लॉन्च करता है, ठीक है। अगला है कि पाक, अभी न्यूज़ में ये आया है कि जो पाकिस्तान है उसने फिर से अपने जो F-16 विमान है उनके, उसको हमारे क्षेत्र की ओर उसने उड़ाया है, वो जानने के लिए कि हम लोगों की जो सेनाएं हैं वो कहाँ पे तैनात हैं, तैनात हैं जो हमारे जवान वो उनमें किस हिसाब से तैनात हैं, उनका क्या स्थान है, उसको जानने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया है। तो ये जो F-16 विमान है, F-16 विमान उसको कहाँ से मिला था? तो F-16 विमान मिला था उसे अमेरिका से। हालांकि वो अमेरिका ने इस लिए दिया था ताकि वो जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनके लिए इसका प्रयोग करें, लेकिन वो इसका गलत प्रयोग कर रहा है। PVPAT जो है इसका पूरा नाम क्या है? विजुअल वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या वर्चुअल वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर विजन वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब ये करता क्या है? देखिए, ये जो अपनी EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका प रयोग अब हम चुनाव में कर रहे हैं, तो ये इससे जब भी वोट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बटन यहाँ से प्रेस की जाती है, तो बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पर एक पुष्टि पर्ची दिखाई, इसे हम मतदाता पुष्टि पर्ची भी कहते हैं, यहाँ पे वो पर्ची दिखाई देगी और हमने जिस प्रत्याशी को वोट किया है उस प्रत्याशी का यहाँ पर हमें अंकन दिखाई देगा। इससे हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि जिसको हमने वोट दिया है उसी को पड़ा है वोट या नहीं पड़ा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है अपना UN, तो उसने क्या किया है कि एक सतत विकास लक्ष्यों की संख्या, या सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 18, 20, 17, 15, वो कितनी है? 17, ठीक है। ये सतत विकास लक्ष्य है क्या? सतत विकास लक्ष्य वो लक्ष्य हैं अधिकांशतः जिनसे अपनी पूरी दुनिया को एक सही पोषण मिल सके, सही सम्मान मिल सके, मतलब उनमें भेदभाव ना हो सके और उनका जो जीवन है अच्छा हो सके। इसके लिए उन्होंने 17 गोल डिसाइड किए थे जिनको 2030 तक पाने के लिए उसने ये प्रयास किया था कि हम 2030 तक पूरे विश्व में ऐसे जो प्रयास हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हर जगह उपलब्ध करा देंगे, जैसे पानी उपलब्ध कराना, गरीबी हटाना, ठीक है, कोई भूखा ना रह सके, सबके लिए भोजन उपलब्ध हो जाए, स्वास्थ्य सबके लिए हो जाए, शिक्षा सबके लिए हो जाए, लैंगिक समानता सबके लिए रहे, तो ये सारी चीज़ें, और जो ऊर्जा है ऊर्जा का सही रूप हो, है ना, इतना प्रदूषण ना फैल पाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए किया था। तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ये पूरे 17 हैं जो पूरे जलवायु परिवर्तन और सारे कुछ से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हुसैनी वाला बांध। देखिए, हुसैनी वाला बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे, नर्मदा नदी पे, सतलज नदी पे, बेतवा नदी पे। तो ये है सतलज नदी पे। ये क्यों आया है? देखिए, हमने जो सिंधु समझौता किया है पाकिस्तान से, जो 1960 में किया था, वो जल का बंटवारा था। उस जल के बंटवारे में कुछ पानी हम अपने हिस्से का भी पाकिस्तान को दे दे रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे रिश्ते उससे अच्छे नहीं है, वो सही नीति नहीं अपनाता है, इसलिए हम अपने हिस्से का पानी उसको नहीं देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है कि कई सारे बांध बनाए हैं और उन बांधों से हम पानी को रोकेंगे। तो एक उन्हीं बांधों में से एक हुसैनी वाला बांध है जिसका प्रयोग हम पानी रोकने के लिए करेंगे, और ये जम्मू कश्मीर में है, और ये किस में बना है? सतलज नदी पर बना हुआ है।
ठीक है, और इस बांध से हम पानी रोक लेंगे, अपने यहाँ पानी डाइवर्ट कर लेंगे, जिसका प्रयोग हम सिंचाई में करेंगे और विद्युत उत्पादन में भी उसका प्रयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सुखोई विमान। हमने चूंकि सुखोई विमानों का प्रयोग फाइटिंग के लिए किया था, अभी जब F-16 विमान हमने पाकिस्तान का गिराया था तो वहां पर भी हमने इनका प्रयोग किया था, तो ये हमने कहाँ से लिए थे? तो ये हमने रूस से लिए थे। ये है देखिए सुखोई विमान, और ये रूस से हमने लिया। इसके बाद जो चाइना है, चाइना भी इन विमानों की खरीद के लिए रूस से बात कर रहा है। ये अच्छे विमान है, इनका यूज अच्छी तरह से लड़ाई में किया जा सकता है। देखिए डेटा के ट्रांसफर के लिए तियानलियान 2 लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट के माध्यम से, जैसे अपना हमारे इधर का PSLV रॉकेट है, लॉन्चर है, इसी प्रकार से लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट है, जिसके थ्रू तियानलियान 2 एक डेटा ट्रांसफर करने वाला सैटेलाइट था, उसको लॉन्च किया है। तो उसको किसने लॉन्च किया है? उसको किया है चीन ने लॉन्च, यहाँ पे वो लिखा नहीं है कंटेंट, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मियामी कहाँ पे है? मियामी है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो वहां पर अभी एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ है जिसको फेडरर ने जीता है। तो फेडरर ने इस टूर्नामेंट को कौन सी बार जीता है? तो वो जीता है चौथी बार। और पूरे जो उनके, अगर हम देखें कि उन्होंने कितने मेडल या कितने वो जीते हैं, तो अभी ये जो जीता है ये 101वीं बार था, ठीक है। भारत ने वो जो नासा है, देखिए नासा ने क्या किया है कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, एक अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था, ठीक है, कैसनी नाम का, किसकी रिसर्च के लिए? शनि की रिसर्च के लिए। तो शनि की जो वलय हैं, उन वलयों में उसने ये चेक किया है कि वहां अभी एक उपग्रह और भी है, ठीक है, ये जो ग्रह है शनि, इसका एक उपग्रह और है। तो वो कहाँ पे है? बृहस्पति का, चूंकि सर्च करने के लिए उसने भेजा था, तो वहीं पर उसने खोजा है नासा ने, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स प्रश्न थे जो करंट अफेयर के थे। देखिए जरूरी नहीं होता है कि बहुत ऐसे प्रश्न पढ़े जाएं जिनका हमें ज़्यादा यूज ना हो, ठीक है, वो पढ़िए जो यूजफुल है, और इसे आप एक दिन बाद भी देखेंगे या जब भी देखेंगे तब भी ये आपके उपयोगी होगा, और किसी भी एग्जाम के लिए आप इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों के लिए भी शेयर करें। थैंक यू।